जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट, बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। जमीनी स्तर पर चरमपंथ के खिलाफ किसी संवेदनशील अभियान में लगे सेना के जवानों या सुरक्षा बलों और उनके अधिकारियों का कोई एक गलत फैसला, कॉमा लापरवाही या फिर अधिकारों के बेलगाम इस्तेमाल का नतीजा क्या हो सकता है, कॉमा इससे किसी तरह समूचा सत्ता तंत्र कटघरे में खड़ा हो सकता है, कॉमा यह नागालैंड की ताज़ा घटना से फिर साबित हुआ है, स्टॉप। वहां मोन जिले के ओटिंग गांव में कथित तौर पर उग्रवादियों की गतिविधियों की खुफिया सूचना के बाद सेना के गश्ती दल ने एक वाहन दिखाते हुए उस पर गोलीबारी शुरू कर दी, स्टॉप। इसमें 6 लोगों की जान चली गई, स्टॉप। जबकि वाहन में सवार लोग एक कोयला खदान में दिहाड़ी मजदूर थे और काम से अपने घर लौट रहे थे, स्टॉप। अचानक और सीधे गोलाबारी करने के लिए क्या सिर्फ इस तरह की कोई सूचना काफ़ी है कि कोई संदिग्ध गतिविधि चल रही है? सैनिकों की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी यही नहीं रुकी, स्टॉप। जब स्थानीय ग्रामीणों का इस घटना पर गुस्सा फूटा, कॉमा तब बचाव के तर्क पर फिर से उन्होंने गोलाबारी की और उसमें और 8 लोग मारे गए, स्टॉप। पैरा किसी जटिल समस्या के समाधान के अभियान में इतनी अहम जिम्मेदारी निभाने वालों के सामने क्या हालात को संभालने के सभी विकल्प खत्म हो गए थे, स्टॉप। नागालैंड पुलिस ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार जवानों के खिलाफ अनेक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, कॉमा जिसमें हत्या से संबंधित धारा भी शामिल है, स्टॉप। सवाल है कि जिन लोगों को किसी इलाके में शांति स्थापित करने के मकसद से तैनात किया गया हो, कॉमा अगर उनकी ही लापरवाही से समस्या और गंभीर हो जाए, कॉमा तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, स्टॉप। अब 14 ग्रामीणों के मारे जाने की त्रासद घटना के बाद संबंधित अधिकारियों से लेकर केंद्र सरकार तक के लिए इस पर सफाई देना मुश्किल हो गया है, स्टॉप। एक और सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है, कॉमा तो केंद्रीय गृह मंत्री को संसद में कहना पड़ा कि सेना ने नागरिकों की पहचान में गलती की, स्टॉप। स्वाभाविक ही नागालैंड में नागरिक संगठनों से लेकर सभी राजनीतिक पक्षों ने इस घटना पर क्षोभ जताया और खुद नागालैंड के अलावा मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्पा हटाने की मांग की है, स्टॉप। पैरा नागालैंड को उग्रवाद का हवाला देकर अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, स्टॉप। सरकार ऐसे इलाकों में आमतौर पर हफस्पा कानून लागू कर देती है, लेकिन सैन्य बलों की ओर से इस कानून के दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से आवाजें उठती रही हैं, स्टॉप। ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि इस कानून को स्थानीय स्तर पर आम नागरिकों के दमन का हथियार बनाया गया है, स्टॉप। ताजा घटना में भी एक पक्ष यह हो सकता है कि नागालैंड में लागू अफस्पा के चलते सैन्य बलों ने बिना किसी पुष्टि के गोलाबारी की, स्टॉप। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि शांति कायम करने के नाम पर जिस कानून को एक अचूक उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कॉमा वही दमन उत्पीड़न का हथियार बन जाए, स्टॉप। सत्ता तंत्र के किसी हिस्से के हाथ में अधिकार का हासिल शांति होना चाहिए या अशांत इलाके की समस्या को और जटिल बनाना। आखिर किसी इलाके के नागरिकों के भीतर शोभ
पैदा होने का क्या कारण होते हैं? स्टॉप। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पूर्वोत्तर के राज्य पहले ही राजनीतिक और भौगोलिक तौर पर संवेदनशील इलाके के तौर पर देखे जाते हैं। स्टॉप। इस लिहाज से उन इलाकों में चलने वाले सैन्य अभियान भी दूरगामी नज़रिए से चलने चाहिए। स्टॉप। पैरा। राजनीति अब जैसे सिर्फ वादों और घोषणाओं का खेल बन चुकी है। स्टॉप। जहां सियासी पार्टियों को सत्ता में आने की ललक होती है, कॉमा, वहां चुनाव के वक्त खूब बढ़ चढ़ कर घोषणाएं करती हैं, कॉमा, लोगों को ऐसे ऐसे सब्ज बाग दिखाती है कि लगता है, कॉमा, उनके आते ही लोगों के सारे दुख दूर हो जाएंगे। स्टॉप। इन घोषणाओं की झड़ी में या तो वे भूल जाती हैं या जानबूझकर उन पर पर्दा डालने का प्रयास करती हैं कि जो वादे उन्होंने पहले किए थे, कॉमा, वे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। स्टॉप। या फिर उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है और वे अब तक उनके पुराने वादे भूल चुके होंगे। स्टॉप। कुछ इसी यकीन के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब गए थे। स्टॉप। वहां वे स्थाई करने की मांग लेकर आंदोलन कर रहे अस्थाई शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गए और कहा कि अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करना तो सरकारों के लिए बहुत मामूली काम है, कॉमा, मगर पंजाब सरकार की नीयत ठीक न होने की वजह से यह काम नहीं हो पा रहा। स्टॉप। अगर उनकी सरकार आई, कॉमा, तो वह यह काम पूरा कर देगी। स्टॉप। केजरीवाल भूल गए या फिर यह मान बैठे कि लोग भुला चुके होंगे कि यह वादा उन्होंने पहली बार दिल्ली की सत्ता में आने से पहले खुद किया था, कॉमा, जो आज तक पूरा नहीं हो सका है। स्टॉप। राजनीति में जुमले उल्टे भी पड़ जाया करते हैं। स्टॉप। केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। स्टॉप। दिल्ली के अस्थाई शिक्षक भी स्थाई करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए। स्टॉप। मौका देख पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ धरने पर आ बैठे। स्टॉप। स्वाभाविक ही, कॉमा, इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ गया। स्टॉप। हालांकि मुख्यमंत्री लापता रहे, कॉमा, शिक्षकों से मिलने नहीं आए और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। स्टॉप। केजरीवाल का पंजाब में यह कोई पहला और अकेला वादा नहीं है। स्टॉप। इससे पहले वे सभी को मुफ्त बिजली और सभी महिलाओं को हर महीने वजीफा देने की घोषणा कर चुके हैं। स्टॉप। कोई उनसे पूछे कि इसके लिए पैसे आएंगे कहां से, कॉमा, तो शायद उनके पास कोई जवाब न हो। स्टॉप। यही हकीकत है राजनीतिक दलों के चुनावी वादों और उनके असल इरादों में। स्टॉप। फिर भी हर प्रदेश में चुनावी वादों की बरसात हो रही है और लोग पुलकित हो उसमें भीग रहे हैं। स्टॉप। पैरा। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सत्ता में आने से पहले अस्थाई अध्यापकों को स्थाई करने का वादा किया था, कॉमा, मगर 7 साल बीत जाने के बाद भी वे इस दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़े हैं। शिक्षकों की स्थिति यह है कि उन्हें दिहाड़ी मजदूर से भी दयनीय स्थिति में काम करना पड़ता है। स्टॉप। सवाल है कि जब शिक्षकों के तय पद खाली हैं, कॉमा, तो उन पर काम कर रहे अस्थाई शिक्षकों को मुस्तकिल करने में अड़चन क्या है, मगर हालत हर जगह यही बनी हुई है। स्टॉप।
सरकारें धन का रोना रोकर खाली पदों को भरने से बचती रहती हैं। पूरे देश के सरकारी स्कूलों में भारी संख्या में अध्यापकों के स्वीकृत पद खाली पड़े हैं, कौमा, पर उन्हें भरा नहीं जा रहा, स्टॉप। स्थायी होने की लालसा में बहुत सारे लोग अस्थायी रूप से बरसों काम करते रहते हैं, कौमा, पर सरकारें आखिरकार उन्हें छलती ही हैं, स्टॉप। केजरीवाल इसके अपवाद नहीं, स्टॉप, मगर दूसरी सरकारों की कमी के रूप में इसका उल्लेख करने से भला बाज क्यों आए, स्टॉप।